जस्ट टीवी देखते सारे दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हूँ आश्मिता एंड आज मैं आपके लिए लेके आई बहुत ही खास प्रोग्राम न्यूयॉर्क सिटी के इंडियन काउंसलेट जनरल के ऑफिस से। गुरु नानक देव जीज 550th बर्थ एनिवर्सरी इज बीइंग सेलिब्रेटेड नॉट जस्ट इन इंडिया बट थ्रू आउट द वर्ल्ड। Today in the Council General Office in New York, I'm joined by the very special Mr. Sandeep Chakraborty, Council General. Chakraborty ji, please hame thoda sa bataiye ke pehle Council General kya kya programs kar raha hai to celebrate the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev ji. Sabse pehle to Just TV ke viewers ko namaskar, sat sri akal, and I'm so happy that we are having this discussion in the consulate. देखिए, भारत सरकार ने एक डिसीशन लिया कि 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव जी हम पूरे विश्व में मनाएंगे, और उस वजह से हमारे कॉन्सुलेट को न्यूयॉर्क में और विश्व में सारे एम्बेसीज़ को एक ख़ास जिम्मेवारी दी गई कि आप धूमधाम से इसको मनाइए। और हम लोगों ने कई कार्यक्रम करे, हमारे कॉन्सुलेट ने करा, हमारे एम्बेसी ने करा, और बाकी जो कॉन्सुलेट्स हैं सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, अटलांटा, हूस्टन, सब ने मिल के हमने कार्यक्रम बनाया और सब ने उस कार्यक्रम के अंतर्गत डिफरेंट कंपोनेंट्स किया। हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्सर्ट में आपको याद होगा भाई बलदीप सिंह का गुरबानी रखा, यंग आर्टिस्ट यंग टैलेंट का भी गुरबानी रखा, हम लोगों ने गुरुद्वारे में अखंड पाठ करवाया, स्पॉन्सर करा, हम उसमें गए, हम लोगों ने भाग लिया, काफ़ी अच्छा माहौल बना। और विभिन्न डिफरेंट गुरुद्वारे में हम लोग जा रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल के हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी इसी अगले हफ्ते हॉफ्स्ट्रा यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट, सो आई विल बी पार्टिसिपेटिंग इन दैट। सो ऑन द होल आई थिंक आवर कॉन्सुलेट इज़ वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व विद द कम्युनिटी इन सेलिब्रेटिंग। आई थिंक एवरीवन विल अग्री के ना कि आप सिर्फ प्रोग्राम्स लोगों को यहाँ बुला के कर रहे हैं काउंसिल जनरल के ऑफिस में, बट यू आर ऑल्सो गेटिंग इन्वॉल्व एक्सटर्नली विद इन द कम्युनिटी। एंड दीज प्रोग्राम्स आई शुड लेट आवर व्यूअर्स नो आर हैपनिंग ऑन अ लेवल के ना कि सिर्फ जो हमारी साउथ एशियन इंडियन कम्युनिटी है वो इनको इन्जॉय कर पा रहे हैं, बट जो यहाँ की लोकल वेस्टर्न कम्युनिटीज़ हैं वो भी इनका आनंद ले रहे हैं। सर, गेटिंग अ लिटल बिट मोर स्पेसिफिक नाउ, अगर हम बात करें जो गुरु नानक देव जी की लेगेसी थी, राइट, उसके अनुसार काफ़ी सालों से इनिशिएटिव्स लगातार हैं स्पेशली इंडिया में। आप मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर के लिए डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट मिलकर इस पर बहुत काम कर रही है। तो हम लोगों ने जो करतारपुर कॉरिडोर है वो डेरा बाबा नानक से इंटरनेशनल बॉर्डर तक एक हाईवे बनाने की काम शुरू कर दिया है, और इसी महीने, अब तो अक्टूबर में है, वो हाईवे तैयार हो जाएगा। हम लोगों ने एक इंटरनेशनल पैसेंजर टर्मिनल भी कंस्ट्रक्ट किया है, वो भी तैयार हो गया है, ऑलमोस्ट वो तैयार, वो फंक्शनल हो जाएगा। और हम लोगों ने जो ये जीरो पॉइंट को नेशनल हाईवे 394 से कनेक्ट करने के लिए भी काम शुरू कर दिया, वो भी इसी महीने ख़त्म हो जाएगा। और हम लोगों ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बात करके दो चीज़ें कराई हैं। एक ये है कि ये जो वीज़ा फ्री एक्सेस हो गुरुद्वारे में, और दूसरी बात यह है कि जो उनकी जो कोटा थी उसको बढ़ा दिया गया है ताकि मोर एंड मोर पिलग्रिम्स कैन विजिट द श्राइन। एंड सेकेंडली, एक जो बात हमारे जो न्यूयॉर्क में जो रहने वाले सिख भाई बहन हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को हमने मना लिया कि OCI कार्ड होल्डर्स भी बिना वीज़ा के वहाँ जा सकें। तो ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जो मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहूँगा। जी, सो आपने थोड़ा सा बताया कि इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमने यहाँ के प्रोग्राम्स तो हम लगातार कवर भी करते रहते हैं, हमने उनकी थोड़ी बहुत बात भी की है जो यूनाइटेड स्टेट्स में हो रहे हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है गुरु नानक देव जी का 550th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए? देखिए, हमारे सरकार ने, यूनियन कैबिनेट ने 22 नवंबर 2018 को डिसीशन लिया कि हम धूमधाम से ना खाली भारत में बट पूरे विश्व में मनाएंगे। तो कई सारे कदम हम लोगों ने उठाए हैं, मैं ज़रा, अगर आप हम मुझे मौका दें तो मैं आपको थोड़े विस्तार में बताऊंगा कि क्या क्या किया है। जो हिस्टोरिक टाउन सुल्तानपुर लोधी है उसको हम डेवलप कर रहे हैं, उसको हेरिटेज टाउन के रूप में उसको परिवर्तन करने की कोशिश, उसमें काम शुरू हो गया है। और वहाँ की जो रेलवे स्टेशन है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, और वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी बनाया जा रहा है जो मिडिल ऑफ अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, इस साल में सब इस साल होगा, यही तो साल है, इसी साल तो सारी चीज़ें करनी है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने फाउंडेशन
स्टोन सेरेमनी कर ली है, वहाँ पे एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसका नाम होगा पिंड बाबे नानक दा, उसका फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी इस महीने होने वाला है। फिर कमेमोरेटिव कॉइन्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स रिलीज किए जाएंगे नवंबर 2019 में, और भारतीय रेल स्पेशल ट्रेन्स चलाएगी जो गुरु नानक देव जी के लाइफ के साथ जो कनेक्टेड प्लेसेस हैं भारत में, उसमें पिलग्रिम्स को आसानी से जा सके। तो इंडियन रेलवेज इज स्टार्टिंग स्पेशल ट्रेन्स फॉर दैट। देन हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं, और हम लोग एक वर्ल्ड वाइड एक पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन कैंपेन कर रहे हैं कि गुरु नानक देव टीचिंग्स एंड द सिख फेथ इज़ अ यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया फॉर हारमनी एंड पीस इन द वर्ल्ड। तो उसके चलते हम लोग 10 आइकॉनिक बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड में उनका जब जन्मदिन होगा उस दिन LED प्रोजेक्शन करेंगे वर्ल्ड वाइड। आई होप वन ऑफ द बिल्डिंग्स विल बी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फिर हम लोग एक सेंटर फॉर इंटरफेथ स्टडीज़ सेटअप कर रहे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर में। उसके बाद चेयर्स ऑन गुरु नानक देव जी आर प्रपोज टू बी सेटअप इन कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी इन इन कैनेडा एंड बर्मिंगम यूनिवर्सिटी इन UK। एंड ऑल्सो वी आर एनकरेजिंग यूनेस्को टू पब्लिश द राइटिंग्स ऑफ गुरु नानक देव जी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। और हमारी जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चर रिलेशंस है वो सिख एक्सपर्ट्स और टीचर्स और सिंगर्स ऑफ शब्द उनको वर्ल्ड वाइड टूर पे भेज रही है, और हम आशा करते हैं यहाँ भी आएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने आपने तो जिक्र कर ही दिया कि कॉन्सुलेट और एम्बेसी मिलके भी कई सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं जी। अब अगर हम थोड़ा सा बात करें, आपकी इतनी सारी आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमारे व्यूअर्स के लिए, इससे लगता है कि जो हमारे इंडियंस या NRIs इंडिया से बाहर रह रहे हैं उनका भी मन कर रहा हो कि हम भी जाके इसमें पार्टिसिपेट करें। स्पीकिंग फ्रॉम द काउंसलेट साइड, ये तो आपका हर रोज का काम होता है, मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं पासपोर्ट्स देने के लिए उनको जिनके पास फॉरेन सिटीजनशिप नहीं है। हाँ, ये आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि कई लोग हैं जो एसाइलम लेके यहाँ आए हमारे सिख भाई बहन, और उनको फॉरेन सिटीजनशिप नहीं मिला, तो उस वजह से वो क्या हुआ कि वो फंस गए एक तरीके से, और हमारी लॉ परमिट नहीं करती थी कि आपने अगर अपनी सिटीजनशिप को रिनाउंस कर लिया और एसाइलम ले लिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरकार ने एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया है, और अब हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम उनको पासपोर्ट देंगे। तो आपके माध्यम से मैं सब लोगों को कहना चाहूँगा कि जो लोगों के पास असाइलम है लेकिन फॉरेन पासपोर्ट नहीं है, वो हमारे पास आएँ और हम उनको पासपोर्ट देंगे ताकि वो आराम से भारत का सफ़र कर सकें। और अगर और भी कोई कॉन्सुलर सर्विसेज हो, अटेस्टेशन एक्सेट्रा, वी विल बी वेरी हैप्पी टू प्रोवाइड द सर्विस। सो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड स्टेप, इट हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर, एंड आई वॉन्ट टू यू नो प्रोपोगेट दिस मैसेज थ्रू योर चैनल कि जिनके पास असाइलम था और है और उनको अमेरिकन पासपोर्ट नहीं मिला है, वो भारत ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको हम पासपोर्ट देंगे। दूसरी बात यह है कि जिनको फॉरेन पासपोर्ट मिल गया है उनको हम बहुत ही इजीली वीज़ा दे देंगे, या वो OCI के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कदम, बोल्ड स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है हमारे लॉज को चेंज करते हुए, और मुझे लगता है कि जो एक ग्रीवांस रहा है सिख कम्युनिटी में कि वो वापस कई कारण से आए होंगे यहाँ पे, असाइलम ले लिया, उनको एक ग्रीवांस थी कि भारत नहीं जा पा रहे, क्योंकि भारत के साथ संबंध उनका बहुत ही गहरा है, और यू नो यू कैन नॉट टेक आउट इंडिया फ्रॉम पर्सन्स हु कम हियर, एंड यू नो देयर इज़ अ डीप कनेक्शन विद द सिख फेथ, एंड इंडिया इज़ वेरी मच द होम ऑफ द सिख फेथ। तो ये बड़ा अच्छा एक डिसीशन हुआ है, एंड आई थिंक वी नीड टू स्प्रेड द वर्ड अराउंड। एंड मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये हम यहाँ कॉन्सुलेट से करेंगे, हमारे जो CKGS ऑफिशियल आउटसोर्स एजेंसी उसके माध्यम से करेंगे। आप प्लीज़ एजेंट्स और दलाल के माध्यम से नहीं आइए, ये डायरेक्टली आइए हम लोगों के पास, और हम आपको ये मदद कर पाएंगे। एंड आई थिंक आपने पहले भी हमारे नेटवर्क पे ये बात बड़े खुल के की है कि कभी कभी जो ये थर्ड पार्टीज़ होती हैं वो आपको धोखा भी दे सकती हैं, आपके केस को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं करते। बट मैं अपने व्यूअर्स को फिर बताना चाहूँगी, अगर आप इंडिया जाना चाहते हैं, आपके पास करंटली असाइलम का प्रोसेसिंग पेपर वर्क चल रहा है, आप डायरेक्टली काउंसलेट को आइए, वो आपका ख्याल रखेंगे। एंड इवन इफ अगर आपका असाइलम फाइल हुआ है, आप फिर भी शायद इंडिया जा सकते हैं एज़ पर दीज न्यू rules that have been enacted, and these are already in effect. We have already cleared some pending cases jo hamare paas thi, jo hum nahi kar pa rahe the kyunki hamare paas ye decision nahi tha
the top level this decision has been taken. So I'm very happy to share this news with you. Huge news. I think that's a very big development from your side. And I think this particular community ko ye bahut hi relief degi and happiness degi ki wo jaake apne roots ke saath fir se mil sake, jud sake. Sir, जब हम सिख कम्युनिटी की बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बड़े सेंसिटिव हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल हैं एंड लोगों को बड़े दुखते हैं दिल में लगते हैं उनको वो टॉपिक्स उनमें से एक है जो सिख प्रिजनर्स 1984 में जो राइट्स हुए उनके बाद कैद किए गए थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि क्या एक्शन लिया जा रहा है उन लोगों को पनिश करने का जो इन्वॉल्व थे इन 86 के राइट्स में देखिए इसमें भी मैं कहूँगा कि जो सरकार ने कई कदम उठाए हैं एक तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि कुछ प्रिजनर्स थे जो जेल्स में थे इंडिया में बिकॉज ऑफ वट एवर चार्जेस देवर प्रोसीडेड अगेंस्ट तो सरकार ने इनकी केसेस का रिव्यू करना शुरू कर दिया है और कई सिख प्रिजनर्स को रिलीज भी कर दिया गया है इनफैक्ट आप देखेंगे मीडिया में कई सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इसको वेलकम भी करा है सिख फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इसको वेलकम किया तो ये प्रक्रिया जारी है और एज वी स्पीक पीपल आर बीइंग रिलीज्ड फिर दूसरी बात यह है कि जो केसेस थे 184 केसेस में वो एक्सपीडाइट किए जा रहे हैं एंड यू नो सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लीडर्स who were suspected or alleged to have participated in these very reprehensible riots have been arrested and more prosecutions are happening. और भारत सरकार ने ये भी अनाउंस किया है कि जो 186 केसेस थे उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होगी क्योंकि हमारे देश में अनफॉर्चुनेट लीगल प्रोसेसेस आर स्लो एंड लॉन्ग बट टू फर्दर प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम्स 3,325 विक्टिम्स को 5 लाख रुपीज़ मोर कॉम्पेंसेशन देने की डिसीशन हो चुकी है और वो भी लागू किया जा रहा है और कुछ जोधपुर में डिटेनीज थे 40 डिटेनीज उनको भी भारत सरकार ने 2.16 करोड़ रुपीज़ कॉम्पेंसेशन दिया है अलाउंस दिया है तो भारत सरकार कोशिश कर रही है कि जो ये ग्रीवांस रहा है कि sufficient action was not taken against the perpetrators of this very sad incident in our history. That is being changed now and a lot of people are being arrested and prosecuted and some very prominent names are there. So I would like to say that as much as government is trying to heal the wounds hai, unko heal kiya jaye, and we should move forward as part of one nation. जी आई थिंक आपकी मैसेजिंग इस बारे में बड़ी क्लियर है एंड आई थिंक देर इज़ नो बेटर टाइम देन दिस ईयर फॉर ऑल दीज थिंग्स टू बी इनएक्टेड आई एम श्योर भारत सरकार की कोशिश काफ़ी देर से जारी होगी बट ये अब पब्लिक की तरफ ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं आई थिंक दैट्स वेरी कमेंडेबल सर क्लोजिंग में आप कुछ और मैसेजेस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को भारत सरकार की तरफ से या काउंसिल जनरल की तरफ से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए भारत आप सब लोगों का देश है जो सिख फेथ है वो भारत में पनपा है भारत में फला है भारत में फूल रहा है एंड यू नो देर इज़ नो वे यू कैन डिटैच इंडिया फ्रॉम द सिख फेथ और सिख फेथ फ्रॉम इंडिया तो जो लोग कुछ लोग गुमराह हो के गलत रास्ते पे जा रहे हैं मैं उनसे अनुरोध करूँगा हाथ जोड़ के कि आप हमारे साथ जुड़िए भारत के साथ जुड़िए और ये देश आप सब लोगों का है और जो अभी हम लोगों ने हाल ही में देखा वो चीज़ें शोभा नहीं देती हैं बिकॉज यू नो सिक्स हैव गिवन द ब्लड फॉर आर कंट्री एंड यू नो दे हैव अ प्राइड ऑफ प्लेस इन आर कंट्री एंड वी आर द सेम यू नो आर ब्लड इज़ द सेम आवर फेथ इज़ द सेम वी आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया सो प्लीज़ जॉइन अस एंड हेल्प अस इन कन्वेइंग अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट इमेज ऑफ इंडिया व्हाइल वी आर अब्रॉड Thank you so much for your time, sir. It was a pleasure speaking with you. And आप जो सारे घर में हमें देख रहे हैं आप इन सारे मैसेजेस को सुन के आपको बहुत खुशी हुई होगी कि आप भी अपने देश के साथ फिर से जुड़िए नो मैटर आपकी क्या बैकग्राउंड है इंडिया जाइए इंडिया के जो भी ये सारे फेस्टिवल्स हैं उनमें पार्टेक कीजिए एंड अगर आप सिख धर्म से हैं तो आपके लिए तो और भी खुशखबरी की ये न्यूज़ है सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई एम आश्मिता एंड दिस वॉज अ स्पेशल सेगमेंट फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया थैंक यू